आप एक बात हमेशा याद रखें, जब आप कभी भी वचनों को सुनते हैं, आप वचन को सुने कि वो आपको किन बातों के लिए संकेत करता है। देखिए कि कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको YouTube पर व्यूवर्स बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, परंतु ये एक जीवन की बात है। देखिए, जब आप वचनों के संकेत को, वचनों का जो कहने का, जो लिखने का, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का जो काम करने का तरीका था, फिर उसके चेलों ने बातें की, हर चीजें जो कुछ भी आप उनमें देखते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब चीजें आपके लिए एक बहुत ही मजबूत चीजें होती हैं जब आप उसे ग्रहण करते हैं। और ये सब चीजें इन दिनों के लिए, जब तक आप इस दुनिया में जीते हैं, आपके लिए सब चीजें बहुत ही मजबूत साबित होती है। आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसका लड़का जो है मिर्गी रोग से पीड़ित है। जाहिर सी बात है कि उसने दवाइयां भी कराई होंगी, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट उसने किए होंगे, लेकिन उसका जो लड़का था, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको मिर्गी आती थी, और वो मिर्गी के कारण ज्यादातर उसको ये रोग आग में गिराता था या फिर पानी में उसको गिराता था ले जा करके, क्योंकि बीमारियां जो होती हैं वो अटैक करती हैं, वो मारना चाहती हैं। बीमारी किसी की भलाई के लिए नहीं आती है ना, वो मारने के लिए आती है। और बीमारी जो थी उसको मिर्गी का, उसका कोशिश था दुष्टात्मा का कि उसको पानी में गिराए, आग में गिराए और उसको मार दे। और वो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लाया है और यीशु से बोल रहा है, प्रभु मैंने तेरे चेलों से बहुत बार मैंने दिखाया, उनको बोला कि आप इसे ठीक कर दो, आप इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसको निकाल दो दुष्ट आत्मा को, और मेरे बेटे को अच्छा कर दो। लेकिन उसने कहा कि आपके चेलों ने भी अच्छा नहीं कर पाए, प्रभु मेरे बेटे को आप ही अच्छा कर। जब वो यीशु मसीह इन बातों को सुनता है कि उसके चेलों ने दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो 17 पद में लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों। अब आप यहां पर यदि ध्यान दें, एक बात आपको यहां पर समझ में आएगा कि यदि आप विश्वास में कमजोर हैं तो आप हठीले भी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि यदि आपके अंदर विश्वास कम है तो आप हठीले व्यक्ति हो जाएंगे, आपका हृदय कठोर हो जाएगा। यदि आप विश्वास नहीं करते यीशु पर तो आप उसके वचन को नहीं मान सकते। यदि आप विश्वास नहीं करते यीशु पर तो आपने कभी भी जो यीशु ने वचन में लिखा है, आप उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते अपने जीवन में, कभी कर नहीं सकते आप, क्योंकि अविश्वास की दशा ही कठोरता को लेकर आती है। और चेलों को प्रभु साफ संकेत कर रहा है कि ये अविश्वास है और ये आपके अंदर हठीलापन है, और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, अब तक तुमको सीखना चाहिए। क्या ये बातें आज भी आपके जीवन में लागू नहीं होती? होती हैं। देखिए, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को जो विश्वास करता है उनको अधिकार दिया है। मरकुस 16 और उसके 16 से जब आप पढ़ेंगे, जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे, कुछ हानि ना होगी। ये सब अधिकार है एक विश्वासी के। लेकिन जब आप विश्वास में कमजोर हैं तब आप इन वचनों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और आप केवल बीमारी को देखकर, केवल बड़ी प्रॉब्लम को देख करके, छोटी भी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी, और केवल आप बीमारी, दुष्ट आत्माएं, परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां देख करके आप केवल बोलेंगे ये क्या हो गया, कैसे करूं, बस आपको रोना आएगा। और देखिए, रोना दो तरीके से होता है। एक तो व्यक्ति
अपने परमेश्वर के सामने रोता है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, और दूसरी बात कि वो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता रहता है, तब भी उसको जब प्रॉब्लम आती है तो प्रभु के सामने बोलता है, आंसू बहाता है कि प्रभु मैंने आपके लिए ये काम किए खुदावन, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम है। आप प्रभु के सामने रोते हैं, वो होना भी चाहिए। प्रभु के सामने आप अपने आंसू को बहा सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं छोड़ता, उसको कुप्पी में रखता है और उसका हिसाब करता है। लेकिन जो आप बीमारियों को देखकर बीमारियों के सामने रोते हैं, बुरी परिस्थितियों को देखकर रोते हैं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। यदि आप एक मसीही जीवन में जी रहे हैं तो मैं समझता हूं आप बहुत ही कमजोर दशा में हैं। यदि आप परिस्थितियों को अपने जीवन से डांट कर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बहुत कमजोर विश्वासी हैं। परिस्थितियां आती हैं बुरी आपके जीवन में, मैं मानता हूं। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको आपको लगता है कि इन्हें कैसे दूर करना चाहिए, लेकिन वचन है आपको सिखाता है। जब आप विश्वास में नहीं होंगे, आप हठीले होंगे, तब आप उस विचार से या फिर उस सामर्थ्य के साथ या फिर उस आत्मिक जोश के साथ बीमारी को डांट नहीं सकते। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास होता है, तब आप आंधी तूफान को भी कहते हैं शांत रह और थम जा, वो आपके लिए संभव होता है। यीशु ने कहा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। और जब उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित लड़के को यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को जो उस लड़के के अंदर थी डांटा, उसे निकलने की आज्ञा दी और वो निकल गया दुष्ट आत्मा, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सब बोले हालेलुया। बात यह नहीं है कि वो प्रभु है और वो चमत्कार तो करता है, बात यह नहीं है कि वो परमेश्वर है, वो कर सकता है। हां वो कर सकता है, लेकिन आपको क्या पता है यदि आप यीशु मसीह में हैं तब आप भी ये काम कर सकते हैं। आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो खुदावन है, वो कुछ भी कर सकता है। हां ये बातें सही हैं, लेकिन क्या आपको यह भी पता है जब यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया, उसने आपके लिए वायदा किया और उसने वो चीजें आपको दी ताकि वो काम जो यीशु मसीह ने किए उससे बड़े बड़े काम आप इस दुनिया में करके आप अपने जीवन को उस आत्मिक उन्माद में लेके चलें, ताकि आपको आपके उद्धार से कोई रोक न सके और सुसमाचार आप फैला सकें।